नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझसे फरमाइश की है कि मुझे लाइव ट्रेडिंग करके दिखानी चाहिए। मैंने अपने कुछ पैरामीटर्स पे आज एक स्टॉक का सिलेक्शन किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा का। चलिए हम उसमें पोजिशन लेते हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल लाइव विंडो है और ये मास्टर कैपिटल सर्विसेज का ट्रेडिंग टर्मिनल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। 9:34 हुए, 3 सितंबर आज की डेट है। मैं सुबह का ट्रेड है, 15 मिनट में 20 मिनट रुक चुका हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे मुझे एक ट्रेड लेना चाहिए, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में आपके लिए एक ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, 100 शेयर बाय हुए हैं, 153.30 रुपये पे। मैं आपको दिखाने के लिए ट्रेड कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और इस ट्रेड को आज जब मैं कट करूंगा इस वीडियो का अगला हाफ, मैं तब बनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड लेना वाकई इंट्राडे में पॉसिबल है या नहीं है, क्या स्टॉक सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए। क्योंकि अगर स्टॉक सिलेक्शन अगर आपका सही हुआ है तो आपको ट्रेड अच्छा हो सकता है। चलिए जब तक हम थोड़ा देर बाजार को डिस्कस कर लेते हैं। आज ओपन प्री ओपन मार्केट में हमने देखा कि जो निफ्टी थी, निफ्टी स्पॉट 70 पॉइंट ऊपर थी और निफ्टी फ्यूचर ने 775 का हाई लगा के 731 का लो लगाया है। अभी निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई थी। निफ्टी स्पॉट 709 चल रही है, 710 चल रही है और निफ्टी फ्यूचर 765 हो गया है। मतलब जो 40 पॉइंट का गैप था वो बढ़ के 45 पॉइंट का हो गया। मतलब फ्यूचर में अभी और तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश करें अगर अपने चार्ट से, तो लाइव चार्ट हम देख लेते हैं। लाइव चार्ट क्या कह रहा है, देखिए लाइव चार्ट में सुबह का जो 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट है ये। पहली कैंडल जो हाई बनाया था 736 के आसपास का, ये देखिए हाई बनाया इसने 736 का, और उसके बाद वो गिरते 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 प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसे पहले 15 मिनट के अंदर में, ठीक है। 15 मिनट में को प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद दूसरी कैंडल ग्रीन बन रही है और हम इसमें थोड़ा हैकेनेशी को इस्तेमाल करते हैं तो चीज़ें और क्लियर होंगी। देखिए नॉर्मल कैंडलस्टिक और हैकेनेशी में यही फ़र्क है। आप नॉर्मल कैंडल्स का जब भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि पहले 15 मिनट में खूब सारी बिकवाली हुई है, ठीक है। पर अगर आप वही हैकेनशी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि अभी निफ्टी एमडीआई इंडिकेटर से ऊपर चल रही है, जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। और पहले हाफ में हाँ उसने जो हाई लगाया है, ठीक है। हाई लगाने के बाद अच्छी खासी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो अगली 15 मिनट की कैंडल है वहां से उसने मिडल से वापस कैंडल स्टार्ट हुई है, फिर से एक रुझान ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ है। हालांकि ऊपरी स्तरों पे निफ्टी में दबाव दिखाई दे रहा है और एडीएक्स भी इंडिकेट कर रहा है कि अभी उसमें कोई बहुत ज़्यादा तेजी में जान नहीं है। पर यहाँ से एडीएक्स ने देखिए 20 से ऊपर मुड़ना स्टार्ट कर दिया है, जो मैं कहता हूँ 20 से 40 की तरफ अगर एडीएक्स जाएगा तो एक अच्छे शुरुआती संकेत हो सकते हैं। तो अगर ये एडीएक्स 20 से 40 की तरफ चल पड़ता है और निफ्टी एमडीआई लाइन से ऊपर सस्टेन कर पाती है तो निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी वापस से देखने को मिल सकती है, ठीक है। आरएसआई भी मैं 60-40 जोन में अगर देखूँ तो थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है, बट 82 पे है, 82 से वापस 75 तक आया है। तो यू नेवर नो कि आरएसआई में के लेवल्स पे निफ्टी काफ़ी देर सस्टेन कर सकती है। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो जिसका मैंने ट्रेड लिया है उसको हम देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा आप यहाँ देखेंगे, कोई भी आप टेक्निकल चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अपना। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी एक बुल फेज में है, एडीएक्स लाइन 40 से ऊपर है, आरएसआई ओवरबॉट जोन में है, ठीक है। बेहतर है, सभी मेरे इंडिकेशंस बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमने अभी जो ट्रेड लिया है दोबारा दिखा देते हैं, हमने जो ट्रेड लिया है वो कितने रुपए पे लिया है। हमने ट्रेड लिया दोस्तों 153.30 रुपये में बैंक ऑफ बड़ौदा में। आज जब बैंक ऑफ बड़ौदा को होल्ड करने वाले हैं, इसमें प्रॉफिट या लॉस बुक करने वाले हैं। हम लॉस भी अपनी स्ट्रैटेजी से बुक करते हैं और प्रॉफिट भी अपनी स्ट्रैटेजी से बुक करते हैं। दोस्तों रिलायंस की जो मेरी वीडियो थी इसमें रिलायंस का शॉर्ट ट्रेड अभी तक चल रहा है, देखिए उसमें 1232 का लो लगा दिया है, अभी भी 0.25% गिरा हुआ है। और रिलायंस के चार्ट को एक बार चेक कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज आप टाइप करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट में भी आप देखेंगे एडीएक्स 40 से ऊपर है, 63 चल रहा है, जो गिरावट का सिलसिला है अभी उसमें जान बाकी है। एमडीआई इंडिकेटर को वापस यूटर्न लेके क्रॉस नहीं किया है स्टॉक ने, तो इसमें अभी लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट और बाकी है। हालांकि ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है आरएसआई, आरएसआई 23 पे चल रहा है, तो हो सकता है कहीं यहाँ करे वापस रिटर्न हो सके। पर अभी जैसा हम कहते हैं पुराना इतिहास को देखिए कि आरएसआई में एक स्टॉक अगर ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में है
गारंटी नहीं है कि वहां से वो ऊपर आएगा ही आएगा, वो एक लंबे समय के लिए वहां रह सकता है। देखना होगा कि रिलायंस में जो सेलिंग है, सेलिंग का सिलसिला कब तक बरकरार है। ये बिल्कुल लाइव मार्केट है दोस्तों। जो लोग, जिन लोगों की शिकायत है कि वो मुझे शिकायत करते हैं कि आप स्टॉक अच्छा लेना नहीं बताते, देखिए दोस्तों 153 रुपये 30 पैसे से बढ़ के बैंक ऑफ बड़ौदा 154 रुपये हो गया है। जिन लोगों ने फ्यूचर में अगर ये उस टाइम अगर बाय किया होता तो वहां से 70-80 पैसे बढ़ चुका है। 70-80 पैसे के लिए मैं जॉबिंग नहीं करता हूँ, पर जो लोग जॉबिंग करते हैं, जो हार्डकोर इंट्राडे करना चाहते हैं, उनके लिए एक लॉट 70-80 पैसे भी बहुत होता है। क्योंकि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा का लॉट साइज देखें तो सब चीजें लाइव है दोस्तों। इसमें कोई भी आप कंफ्यूजन क्रिएट ना करें दिमाग में। 4,000 शेयर का लॉट है, 4,000 शेयर में अगर 8-80 पैसे आपको मिले तो 3,200 रुपये का इंट्राडे प्रॉफिट आपको आ चुका है अभी तक। ठीक है, आप अगर आप उसको बुक करना चाहें कर सकते हैं, पर मैं आपको सिर्फ यही दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, बेहतरीन है, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। मैं वीडियो को अभी यहां पे पॉज कर रहा हूं, और जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा उसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हुए या लॉस बुकिंग करते हुए। लॉस होगा तो मैं लॉस को एक्सेप्ट करूंगा, मेरे रूल्स रूल्स को फॉलो करते हुए ही लॉस होगा, और प्रॉफिट हुआ तो मैं अपने रूल्स के हिसाब से ही प्रॉफिट बुक हो रहा। मुझे लगता है जो फ्यूचर में जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए 1 रुपये की मूवमेंट, 2 रुपये की मूवमेंट बहुत बड़ी होती है, और उनको वहाँ बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि जितना आप कंजर्वेटिव होकर ट्रेडिंग करेंगे उतना ही आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ेंगे, उतना ही लॉस के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं आपके। तो ये आपकी मर्जी है, आपका ट्रेड है, आपका पैसा है, कैसा है आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मैं चाहता तो यहाँ पे आपको 1,000-2,000 क्वांटिटी भी लेके दिखा सकता था, ठीक है, बट मुझे लगता है कि सिखाने के लिए आपको 100 शेयर काफी हैं दिखाने के लिए। 100 शेयर में भी अगर 153 रुपये का शेयर और 100 शेयर मैंने मल्टीप्लाई किए हैं तो अपना 15,300 रुपये की उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। ठीक है, अब 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके आपको कितना प्रॉफिट आने वाला है देखिए हम देख लेते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो 153.30 की हमारी बाइंग है और 153.70 40 पैसे हमारा सौदा बढ़ा हुआ है। ये खाली 100 शेयर में 45 रुपये प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों। अगर 1,000 होता तो 450, और 10,000 शेयर होते तो उससे ज्यादा। और आप ये देख देख सकते हैं 153.90 रुपये का इसने हाई बना दिया है। 154.65 रुपये का पुराना हाई आज दिन में जो सुबह सुबह प्री ओपन मार्केट में लगा है, और अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में की चाल अभी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है ये ट्रेड बहुत अच्छा जाने वाला है, और आप भी इसको, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि जैसा मैं ट्रेड कर रहा हूँ वैसे आप ट्रेड करें। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको इस स्टॉक के लिए, और मैं सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ कि अगर आपके टेक्निकल इंडिकेटर सही में आपका साथ देते हैं तो आप सौदा अच्छा बना सकते हैं। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की चाल आपके सामने है। मैं ये वीडियो उन सभी दर्शकों के लिए है जो बहुत ट्रॉलिंग करते हैं मेरी, ठीक है, जो लोग कभी कभी, जिन लोगों को खुद को एनालिसिस बिल्कुल नहीं करनी आती बट वो किसी के भी चैनल पे जाके, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके चैनल पे ऐसे लोग जाके गाली गलौज तक करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों आप ऐसा क्यों करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे संस्कार बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि हम किसी को गाली गलौज करें। हम ऐसे देश से नाता रखते हैं, वास्ता रखते हैं जो देश हमेशा से लोगों को माफ करता आया है उनकी गलतियों पर भी। और अगर मान लीजिए कोई इंसान आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उससे ज्ञान लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपना ट्यूटर बदलें, अपना टीचर बदलें, बजाय कि अपना वक्त खराब करें, अपनी जुबान खराब करें इसको गाली गलौज करने के लिए। ट्रेड आपके सामने है दोस्तों, 153.30 रुपये का ट्रेड 154.10 रुपये का हाईवे तक बना चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आपका स्टॉक सिलेक्शन परफेक्ट होना चाहिए, आप इंट्राडे में पोजिशनल बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस अगर वहां पे लगेगा तो स्टॉप लॉस ना भी कटेगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने कहा था प्री ओपन मार्केट में जिनके पास मेरे मैसेज गए थे, मैंने कहा था कि बाजार में आज शॉर्ट करके ना खेलें क्योंकि प्री ओपन मार्केट में बहुत अच्छा रुझान देखने को मिला है। निफ्टी ने देखिए 711 और 762, मोटा मोटा 50 पॉइंट का फ्यूचर में डिफरेंस हो गया है, मतलब निफ्टी में निचले स्तरों पे बाइंग दिखाई दे रही है। हमने प्रॉफिट, हमने प्री ओपन मार्केट में भी देखा था कि निफ्टी में गिरने वाले खाली 2 शेयर थे और बढ़ने वाले 48 शेयर थे, ठीक है। तो निफ्टी का आज ओवरऑल जो सेटअप रहा है, बाइंग सेटअप रहा है, तो और मुझे उम्मीद है दोस्तों इस तरीके से आप अगर आप काम करेंगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और ये कोई भी ऐसा कोई प्राइवेट सॉफ्टवेयर नहीं है जिसपे मैं अपनी मर्जी से आपको बाइंग या सेलिंग करके दिखा दूं। ये एक प्रॉपर रेपुटेड कंपनी है, मास्टर कैपिटल सर्विसेज का एक ट्रेडिंग टर्मिनल है जिसको मैं ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ। एक बहुत ही सभी NSE द्वारा रजिस्टर्ड ब्रोकर है, बहुत ही रेपुटेड ब्रोकर है, ठीक है, और पूरे हिंदुस्तान में इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है। मैंने इनका टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। और ये ट्रेड आपके सामने है दोस्तों, इंट्राडे में आपके लिए इतना प्रॉफिट काफ़ी है, और ज़्यादा चाहें तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और अपने सौदे में बने रहें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम